दोस्तों, जनकपुर नेपाल का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में से एक है। प्राचीन काल में जनकपुर मिथिला की राजधानी हुआ करती थी और माता सीता के पिता राजा जनक यहाँ के राजा थे। नेपाल के इसी जनकपुर में माँ सीता का जन्म हुआ था और यहीं भगवान राम जी के साथ उनका जो है विवाह भी संपन्न हुआ था। दोस्तों, जनकपुर भगवान श्री राम जी का ससुराल भी है। जनकपुर को जनकपुर धाम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जनकपुर यात्रा से जुड़े संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी जनकपुर घूमने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जनकपुर धाम कैसे जाएंगे, कब जाएं, कहां रुके और जनकपुर में घूमने वाला कौन कौन सा जगह है। तो दोस्तों, जनकपुर जाने से पहले कुछ बातें हैं जो कि आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले, जब भी आप जनकपुर जाएँ तब दोस्तों आपके पास जो है वो कैश रहना चाहिए। कम से कम 4-5 हज़ार रुपये आपके पास कैश तो रहना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों जनकपुर जो कि नेपाल में पड़ता है, वहाँ पे दोस्तों ना ही फोन पे चलता है, गूगल पे, पेटीएम, ये सब कुछ भी नहीं चलता है। अगर आपके पास कैश नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। अगर आपके पास इंडियन करेंसी है तो पूरे नेपाल के अंदर इंडियन करेंसी चलता है। और दोस्तों, रही सिम कार्ड की बात करेंगे, अगर आप जनकपुर 1-2 दिन के लिए जाते हैं तो फिर दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है सिम कार्ड लेने की, क्योंकि दोस्तों जनकपुर आप जाएंगे तो आपका इंडिया का जो सिम है वो बंद हो जाएगा, नेटवर्क जो है वहाँ काम नहीं करता है। अगर आपको 1-2 दिन के लिए जाना है तो आप फिर सिम कार्ड नहीं भी लेंगे तो चलेगा। अगर लेना चाहते हैं तो सिम कार्ड जो है आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड रहना चाहिए और 2 फोटो रहना चाहिए, तो सिम कार्ड आपको जो वहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए, जनकपुर में जो है ना वो मुख्यतः 4 भाषाएँ जो है वो बोली जाती है। सबसे देखिए मैथिली जो कि ज़्यादा बोला जाता है, कोई मिथिलांचल में पड़ता है, इसके बाद हिंदी है, इसके बाद नेपाली है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जनकपुर कब जाए, सही मौसम कौन सा है। तो दोस्तों जनकपुर जाने का सही टाइम है अक्टूबर से मार्च तक का। अब है जनकपुर कैसे जाए, तो दोस्तों जनकपुर आप 3 टाइप से जा सकते हैं, बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय प्लेन। अब देखिए, यहाँ पे सबसे सस्ता जो है ना और सबसे आसान जो तरीका है वो है दोस्तों ट्रेन वाला ऑप्शन। यहाँ पर ट्रेन से अगर आप जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, देखिए दरभंगा जंक्शन जो कि आपके नियर बाय स्टेशन से आप दरभंगा जंक्शन के लिए कोई भी ट्रेन लेंगे, तो यहाँ पर अगर आप दरभंगा जंक्शन आ जाते हैं तो दरभंगा से जयनगर जो है डेली ट्रेन चलता है और 4-5 ट्रेन जो है डेली गुजरती है। तो आपको जयनगर जाना है और जयनगर से आपको स्टेशन चेंज करना है, मतलब 10 मीटर की दूरी पर नेपाली स्टेशन आ जाता है और वहाँ से दोस्तों नेपाल जाने के लिए आपको ट्रेन मिल जाती है। अगर दोस्तों ट्रेन की टाइमिंग की बात करेंगे तो जयनगर से जनकपुर जाने वाली जो ट्रेन है वो सुबह में है 8:15 में, जो कि दोस्तों 2 घंटे में आपको जो है जनकपुर पहुँचा देगी। शाम की बात करेंगे तो एक शाम में ट्रेन है 2:45 में, ये भी दोस्तों वही 2 घंटे का समय लेती है जनकपुर छोड़ने में, फिर वापस जो है ये आ जाती है जयनगर। अब दोस्तों अगर ट्रेन की किराए की बात करेंगे तो यहाँ पर नॉन एसी है वो, अगर आप टिकट लेते हैं ट्रेन का 40 रुपया इंडियन में रहेगा। अगर दोस्तों आप एसी का लेते हैं तो 220 रुपया इंडियन करेंसी में रहता है। अब यहाँ पर देखिए, बाय रोड अगर आप जनकपुर जाना चाहते हैं तो बिहार का 2 ऐसा बॉर्डर है जहाँ से दोस्तों आप जनकपुर बहुत ही आसानी के साथ जा सकते हैं, एक तो सीतामढ़ी बॉर्डर, एक दूसरा है मधुबनी बॉर्डर। अगर दोस्तों आप अपनी बाइक या अपनी कार से जाते हैं तो आपको बॉर्डर पर जो है परमिट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर जिसको वंसार भी बोलते हैं नेपाल में, तो यहाँ पर दोस्तों परमिट का जो है 4-व्हीलर का 350 रुपया है और बाइक का 150 रुपया है। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो ये लंबा रूट पड़ेगा, इसमें पैसे भी आपको ज़्यादा खर्च होंगे, फिर भी बता दे रहा हूँ। आप जो है जैसे कि कोई भी नियर बाय अपने जो है जो भी एयरपोर्ट है वहाँ से काठमांडू एयरपोर्ट के लिए आपको जो है वो देखना है फ्लाइट, और फ्लाइट का जो प्राइस है किराया वो आपको ऑनलाइन जो है चेक कर लेना है। फिर अगर आप काठमांडू एयरपोर्ट आते हैं तो फिर वहाँ से आपको जनकपुर एयरपोर्ट के लिए जो है वो हर जो है 1 घंटे पे वो फ्लाइट जो है मिल जाती है, जिसका किराया जो है 2500 से 2500 रुपये के बीच में रहने वाला है। ये दोस्तों रूट जो है प्लेन वाला थोड़ा महंगा है, तो इसलिए सबसे बेस्ट जो है जनकपुर जाने का रूट वो है दोस्तों ऑप्शन ट्रेन वाला। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि जनकपुर में आप कहाँ रुके। अब होटल की बात करेंगे तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, वैसे तो देखिए जनकपुर में जो जानकी मंदिर है उसके बगल में यहाँ पे बाबा मैया वाला जो है एक धर्मशाला है, यहाँ पर जिस आपको जो है पर बेड का जो चार्ज है वो 300 से 400 रुपये के अंदर, मतलब आपको जो रुकने के लिए एक अच्छा सा जो है वो रूम मिल जाएगा। अगर आप अपना जो है पर्सनल जो है रूम लेना चाहते हैं, होटल लेना चाहते हैं, तो होटल का जो प्राइस है ना दोस्तों वो एक दिन का आपको 800 से 1000 रुपये के बीच में रहने वाला है। ये इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ। 800 से अगर 1000 रुपये आप लगाते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा सेपरेट जो है वो रूम मिल जाएगा, जिसके अंदर जो है आपको लैट्रिन बाथरूम सब कुछ जो है वो अटैच ही मिलेगा। अब अगर दोस्तों जनकपुर में खाने की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों खाना जो है 150 रुपये में भरपेट खाना आपको जनकपुर के अंदर जो है वो मिल जाएगी। अब दोस्तों जनकपुर में घूमने वाला कौन कौन सा जगह है, आप जनकपुर अगर जब भी जाएँ
तो कहाँ कहाँ घूम सकते हैं ये आप जान लीजिए। दोस्तों जब भी आप जनकपुर जाएं तो सबसे पहले आपको जानकी मंदिर जाना है। जानकी मंदिर जो कि जनकपुर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है, काफ़ी पुराना मंदिर है। और दोस्तों जानकी मंदिर के कैंपस में ही राम सीता विवाह मंडप है, और वहाँ पर आप जाएंगे तो राम सीता विवाह मंडप में ही जो है राम जी और सीता जी की शादी हुई थी, तो वो मंडप आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से कुछ ही दूरी पे, जानकी मंदिर से कुछ ही दूरी पे गंगा सागर है, गंगा सागर तालाब है, जहाँ पे दोस्तों शाम के टाइम में गंगा आरती होती है। ये भी दोस्तों एक भव्य नज़ारा है जिसके आप जो है लुप्त जो है आरती का वो उठा सकते हैं। इसी के जस्ट बगल में श्री राम मंदिर है, और श्री राम मंदिर भी दोस्तों वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे साधु महात्माएँ जो है उस मंदिर के अंदर देखने को मिलेंगे, हजारों की संख्या में जो है उस साधु महात्माएँ वो देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बगल में है कुलदेवी का मंदिर, कुलदेवी का मंदिर भी आप जा सकते हैं। जानकी मंदिर से ही कुछ ही दूरी पे रणभूमि करके एक जगह है, रंगभूमि, जिसको दोस्तों 12 बीघा बोलते हैं। 12 बीघा वही जगह है जहाँ पे दोस्तों सीता स्वयंवर जो है रचा गया था, और यहाँ से ही जो है श्री राम जी जो है शंकर जी का जो धनुष था उस धनुष को तोड़े थे। अब दोस्तों एक है जगह है धनुषा धाम, धनुषा धाम दोस्तों काफ़ी फेमस जगह है। जानकी मंदिर के बाद आप देखेंगे जानकी मंदिर के बाद धनुषा धाम काफ़ी फेमस है, और जानकी मंदिर से करीब जो है 24-25 किलोमीटर दूर जो है ये धनुषा धाम मंदिर स्थित है। इसकी कहानी ये है कि दोस्तों जब जो है जनकपुर से धनुष को जो है राम जी ने तोड़ा था, तो उसका एक टुकड़ा जो है वो एक अवशेष जो है जो धरती पे गिरा वो धनुषा धाम में गिरा था, और दोस्तों इसी वजह से उस जगह का नाम जो है धनुषा धाम कर दिया गया। अब अगर दोस्तों एक और जगह है रंगभूमि के बगल में ही है, संकट मोचन मंदिर है जो हनुमान जी को समर्पित है, वो मंदिर भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों जनकपुर में घूमने लायक कौन कौन सा जगह है उसके बारे में। अब दोस्तों जनकपुर घूमने का जो बजट है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो दोस्तों अगर दो लोग भी आप जाते हैं ना तो बहुत ही सस्ते बजट में, मतलब समझ जाइए जनकपुर आप एक दिन में घूम सकते हैं। अगर आप सुबह में जाते हैं तो आप शाम के टाइम में वापस भी आ सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पूरा जनकपुर को घूमने में। तो दोस्तों अगर आप देखिए जनकपुर पूरा घूमना चाहते हैं तो आपका जो बजट है ना वो 3000 रुपये जो है रहने वाला है। दो लोग अगर आप जाते हैं तो 3000 में आप पूरा जनकपुर जो है जितना भी फेमस जगह है वहाँ पे घूम के वापस दोस्तों आप जो है आ सकते हैं। अगर दोस्तों जनकपुर टूर से रिलेटेड आपके मन में किसी तरह का और सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। बाकी दोस्तों मेरे इस चैनल पर नेपाल टूर के ऊपर जो एक वीडियो प्लेलिस्ट बना है जिसमें जनकपुर हो, काठमांडू हो और नेपाल के जितने भी फेमस जगह है सबके बारे में पूरी जो है एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी लोकेशन के बारे में बताया हूँ सबका हिस्ट्री के साथ जो है आपको एक फुल वीडियो जो है देखने को मिलेगा। जैसे जानकी मंदिर का फुल वीडियो है, यहाँ राम सीता विवाह मंडप का फुल वीडियो, गंगा सागर का, राम मंदिर का, सबका जो एक हिस्ट्री के साथ जो है वो क्या है इसके पीछे की कहानी है सबके अलग अलग एक एक करके जो है वीडियो बनाया हूँ मैं, पहले ही अपलोड कर दिया हूँ। बाकी अगर आपको ये जानकारी या वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।